चलिए दोस्तों, ये पूरा चार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ और एक ही चार्ट में पूरा का पूरा जीएसटी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, जीएसटी एक ही चार्ट में और ये पूरा जीएसटी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। आइए करते हैं इसको। देखिए, हमने क्या किया, एग्रीगेट टर्नओवर पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस, टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई, बाकी हम छोड़ रहे हैं जानबूझ के, सिंपल करना है। क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर अगर अप टू 20 लाख है तो वो या तो वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा या नहीं करवाएगा। करवा लिया तो रजिस्टर्ड रेगुलर स्कीम में, नहीं करवाया तो अनरजिस्टर्ड। उसी तरह से अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख एंड अप टू 75 लाख है और मैन्युफैक्चरर कुछ को छोड़ के ट्रेडर्स और रेस्टोरेंट्स वालों को वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है, तो उनके पास ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। या तो वो कंपोजिशन स्कीम में जाएगा या फिर वो रेगुलर स्कीम में जाएगा और रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अगर उसका टर्नओवर एक्सीड 75 लाख है तो वो रेगुलर स्कीम में ही जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा हो गया। अगर उसका टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा है तो कंपोजिशन में जा नहीं सकता, स्मॉल है नहीं, वो रेगुलर स्कीम में ही रहेगा। अगर उसका टर्नओवर 20 लाख और 75 लाख के बीच में है तो कंपोजिशन में भी जा सकता है और वो बड़े भैया की तरह भी बिहेव कर सकता है। और एक कैटेगरी हमने बनाई, अगर वो सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए का सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, यानी कि उसके गुड्स के ऊपर टैक्स जीरो है, जैसे बुक्स, प्रिंटेड बुक्स पर टैक्स जीरो है, मिल्क, ब्रेड, ये सब पे टैक्स जीरो है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है ही नहीं, वो अनरजिस्टर्ड ही रहेगा। अब इनका मैं आप सिंपल कर दे रहा हूं पूरा का पूरा। कोई भी हो, लोकल परचेज धड़ल्ले से कर सकता है, इंटर स्टेट परचेज कोई भी हो धड़ल्ले से कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकल सेल धड़ल्ले से कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इंटर स्टेट सेल यहां प्रॉब्लम है। देखिए, इंटर स्टेट सेल कौन कौन कर सकता है, मतलब ये सारे लोग कर सकते हैं दो को छोड़ के। अगर अप टू 20 लाख है, अनरजिस्टर्ड है, तो वो इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने इंटरस्टेट सेल 1 रुपया का भी किया तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर ये इंटरस्टेट सेल एग्जेम्प्टेड सप्लाई का कर सकता है, अनरजिस्टर्ड अप टू 20 लाख, अनरजिस्टर्ड, और वो इंटरस्टेट सेल करना चाहे तो वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई का कर सकता है, फिर कंपोजिशन स्कीम वाला इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता है, ठीक है। ई कॉमर्स में अगर आप बेच रहे हैं, ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी अप टू 20 लाख। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते, कंपोजिशन स्कीम वाला भी ई कॉमर्स नहीं कर सकता, बाकी लोग कर सकते हैं। अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में, जो स्पेसिफाइड रिवर्स चार्ज है, यह कंपलसरी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल अगर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है किसी को भी। तो हमने क्या लिखा कि एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख रजिस्टर्ड है तो वो रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स देना पड़ेगा एप्लीकेबल। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है और वो रिवर्स चार्ज में आ गया, यानी कि अगर अप टू 20 लाख है और अनरजिस्टर्ड है, अगर उसने कोई चीज इंपोर्ट कर लिया और उसको रिवर्स चार्ज में देना जरूरी है, तो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए वो रिवर्स चार्ज अवेल नहीं कर सकता। कंपोजिशन स्कीम क्योंकि रजिस्टर्ड है, रिवर्स चार्ज में उसको ये टैक्स देना ही पड़ेगा, इन सबको देना पड़ेगा। और अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई कोई कर रहा है और उसने भी रिवर्स चार्ज अवेल कर लिया तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा, तभी वो रिवर्स चार्ज अवेल कर सकता है। फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो मैंने बताया था, मोस्ट डेंजरस, इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से परचेज करेगा तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, डेली 5000 की लिमिट है। अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से परचेज करेगा, नॉट एप्लीकेबल, यहां सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जो सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, वो अनरजिस्टर्ड से परचेज करेगा तो उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब रिटर्न के बारे आए, रिटर्न सभी को, अगर रजिस्टर्ड है सभी को, अप टू 20 लाख वाला भी रजिस्टर्ड है तो मंथली, लेकिन सिर्फ अगर कंपोजिशन स्कीम में अगर कोई गया है तो क्वार्टरली। और एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो सिर्फ कर रहा है उसके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड है उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। अब इनवॉइस के बारे में बात करते हैं। अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस, अगर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी एक्ट उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, इनवॉइस नॉट एप्लीकेबल। और अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में है तो उसको बिल ऑफ सप्लाई ही इश्यू करना पड़ेगा। और अगर वो रेगुलर स्कीम में है और टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो टैक्स इनवॉइस, यानी कि ऐसे गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है जिसमें टैक्स लग रहा है तो टैक्स इनवॉइस, और अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है तो बिल ऑफ सप्लाई।
तो रेगुलर स्कीम वाले दो तरह का इनवॉइस बुक मेंटेन कर सकते हैं, एक टैक्स इनवॉइस अलग, एक बिल ऑफ सप्लाई अलग, जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर होगा। सेम केस में यहां, और अगर ये सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है तो बिल ऑफ सप्लाई। अकाउंट्स रिकॉर्ड सभी को एप्लीकेबल है, अनरजिस्टर्ड है तो नॉट एप्लीकेबल, सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है तो नॉट एप्लीकेबल। टैक्स अगर रेगुलर स्कीम में है, रजिस्टर्ड है, तो आपको आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट प्लस अगर रिवर्स चार्ज ले लिया तो रिवर्स चार्ज भी देना पड़ेगा। और अनरजिस्टर्ड है 20 लाख तक है और अनरजिस्टर्ड है तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए हैं तो आपको जो मैन्युफैक्चरर को 2% ऑफ टर्नओवर ऑफ बोथ बोथ टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ट्रेडर्स के लिए 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई, और रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% ऑफ टर्नओवर, 5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई, और अगर रिवर्स चार्ज में आ गए तो प्लस रिवर्स चार्ज का भी टैक्स देना पड़ेगा। बाकी रेगुलर स्कीम वालों के लिए सेम है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स प्लस रिवर्स चार्ज, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स प्लस रिवर्स चार्ज। और अगर एग्जेम्प्टेड से सिर्फ सप्लाई कर रहा है तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिवर्स चार्ज में आ गया तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई का टैक्स 0 है, और रिवर्स चार्ज में अगर आ गया तो रिवर्स चार्ज का ही सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।